वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी बनाएंगे। पनीर भुर्जी बना रहे हो तो आप इसमें किचन किंग मसाले का इस्तेमाल कीजिए। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, 3 टेबलस्पून घी डाला है। आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1/3 टीस्पून जीरा डाल देंगे। एक हम यहाँ पे तेजपत्ता डाल देंगे, 1 इंच हम यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। तेजपत्ता और दालचीनी ऑप्शनल है फ्रेंड्स। प्याज ऐड कर देंगे। 3 प्याज को मैंने एकदम बारीक काट दिया है, इन्हें हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 5 लहसुन की कलियां को काट दिया है तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 10 लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को भी हम 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। प्याज और लहसुन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो यहाँ पे हमें एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च को भी हमने फ्राई कर दिया है। अब हम यहाँ पे 2 टमाटर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम यहाँ पे मसाले ऐड कर देंगे। मसाले जो है फ्रेंड्स हमेशा लो फ्लेम पे ही ऐड कीजिए। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1/3 टीस्पून मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दूंगी। 1/3 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे। मिर्ची, अगर फ्रेंड्स आप ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी जो है आप बढ़ा सकते हैं। गैस की फ्लेम लो रखते हुए हम इन मसालों को जो है अच्छे से पका लेंगे। इन मसालों को जो है अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं मसालों में से घी जो अलग होने लगता है। 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने क्रम्बल कर दिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो 200 ग्राम ये पनीर हम में ऐड कर देंगे। पनीर फ्रेंड्स मैंने घर पे बनाया है तो फ्रेश पनीर है। पनीर कैसे बनाते हैं घर पे इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में डाली है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और पनीर के पानी को जो है आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में या फिर आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर के पानी को भी फेंकिए मत। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो इसे हम ढक के गैस की फ्लेम लो करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो पनीर में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पे 1/3 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। आप यहाँ पे पनीर भुर्जी में किचन किंग मसाले का इस्तेमाल कीजिए, इससे अच्छी खुशबू और इसका टेस्ट आता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसकी फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। ये हमारी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो चुकी है तो अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। तो इसके ऊपर हम धनिया पत्ता से इस तरह से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस पनीर भुर्जी बनके तैयार हो चुकी है जिसे बनाने में मात्र सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसका टेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब होता है। ये बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना मत भूलिए। मेरा वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।